क्या हालचाल है आप लोगों के। तो पीछे Realme 9 सीरीज के मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं ना, उन पे आपका प्यार जो है वो बेशुमार है यार, और आपकी इन चीजों को मैं कभी नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। तो आपकी उत्सुकता को देखते हुए मैंने Realme से कांटेक्ट करा और Realme ने हमसे कांटेक्ट करा, एकदम जुगलबंदी करके ना आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे कमाल प्लान किया। अब यार जिस दिन लॉन्च होता है उस दिन तो अनबॉक्सिंग सब करते हैं, उससे पहले कुछ आ जाए ना तो एक्सक्लूसिव वाली बात होती है, और यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव ही देने वाला हूँ। आपसे इस वीडियो में मैं तीन चीजों के बारे में बात करूंगा, और हमारे पास में है Realme 9 Pro Plus। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने मुझको ना एकदम तृप्त कर दिया भाई। तो जितने भी ओपिनियन मैं यहाँ पे आपको मेरी तरफ से देने वाला हूँ ना, वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस बेसिस पे है, किसी का कोई यहाँ पे दबाव नहीं है। जो मैंने एक्सपीरियंस करा, हमारा पास जैसे चलता आ रहा था एकदम ऑनेस्टी के साथ, वैसे ही आगे भी चलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे बॉक्स को। इस बार इन्होंने ना थोड़ा सा ऐसे नया कुछ करने का प्लान किया है, तो थोड़ा सा टेक्सचर जो है वो अलग देखने में मिल रहा है यहाँ पे, और कहने की बात है थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है। बॉक्स के बारे में ज्यादा क्या ही बातें करोगे, बाकी अनबॉक्सिंग तो अपनी आई जाने वाली है। और दूसरी चीज जो है वो है इसका बैक पैनल। हम सब जानते हैं Realme जो है वो किसी प्राइस रेंज में भाई प्लास्टिक के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वही मिलता है, लेकिन यहाँ पे प्योर ग्लास बैक है इसका बैक। एक्चुअल में क्या मिलेगा अगर आप इतिहास को उठा के देखो, और अगर आप एक रियल टेक मास्टर प्रो हो, ग्लास बैक देखने को मिलता है। ये फोन जो है वो लाइट शिफ्ट पैटर्न के साथ देखने को मिलता है। 7.99 mm की थिकनेस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, और 182 ग्राम का है। मतलब Realme की डिजाइन टीम ने जो काम किया है ना, वो डेफिनेटली बहुत ही कमाल का। ये स्क्वायरिश एजेस हैं, और आदि आपको राउंडेड भी देखने को मिलती है, मतलब दोनों का कॉम्बो यहाँ पे उन्होंने पैक किया है। और पीछे की तरफ ये जो कैमरा बम्प देखने को मिलता है, इसमें यार ग्लास फिट करा है जो अलग अलग लाइट्स पे ना रिफ्लेक्शन मारता है, आप देख रहे होंगे इसको, और ये बहुत ही कमाल का लगता है। मैंने इसको अलग अलग लाइट्स पे आपके लिए ना एकदम मैक्रो शॉट्स लेने की ट्राई करी है कि हाँ आपको सब कुछ इसके बारे में पता चल जाए। और दूसरी चीज, इसकी जो प्रीमियमनेस है ना वो नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि प्लास्टिक से बढ़ के जो इन्होंने ग्लास पे काम करा है ना, ये बहुत ही कमाल का है। और फिंगरप्रिंट मैग्नेट तो डेफिनेटली है, लेकिन इतना ज्यादा आपको वो भी नहीं देखने को मिलते हैं, और बहुत कमाल के फोम फैक्टर में आता है। और तीसरी चीज जो है वो डेफिनेटली कैमरा है। कैमराज जो हैं वो इसके बहुत बड़े हाईलाइट है। जैसे ये मेरे हाथ में आया ना, सबसे पहले मुझे यही चीज चेक करनी थी, और मुझे Realme का वो रीजन मिल गया है जिसमें हर एड में ये लाइट लाइट को यूज कर रहे हैं ना, इट्स अ लाइट कैप्चर द लाइट। तो क्यों इतनी लाइट के बारे में बात करना, इसको जैसे आप टेस्ट करोगे ना अपने आप पता चल जाएगा आपको लाइट के साथ इसका क्या कनेक्शन है। मैंने इसको पूरे एक दिन यूज करा है। इसकी कलर, इसकी डायनेमिक रेंज, इसका एज डिटेक्शन, सब कुछ आपको स्क्रीन पे वन बाय वन दिख रहा होगा। मैंने पूरे एक दिन में जितनी पॉसिबल और इम्पॉसिबल शॉट्स हो सकते थे ना, सब कुछ इससे लेने का ट्राई किया है, और इसने कहीं भी निराश नहीं कराया। आपने सुन लिया होगा कि इसमें सोनी का IMX766 देखने को मिलता है, और ये OIS के साथ आता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन, जो आपकी फुटेजेस को और ज्यादा स्टेबल बनाने में मदद करता है, चाहे वो फोटोग्राफी हो चाहे वो वीडियोग्राफी हो, दोनों तरफ ये काम करेगा। इसके नॉर्मल फोटोज तो आपने देख लिया कमाल के हैं ही हैं, प्लस दूसरी चीज इसकी आती है नाइट फोटोग्राफी, जिसको Realme और ज्यादा टीज करे जा रहा है। और मैंने एक फोटोग्राफर वाली आत्मा अपने अंदर झिंझोड़ के सब कुछ ट्राई किया है, और इसके नाइट शॉट्स इतने सारे हैं मेरे पास में, और सब कुछ आपका देखना बनता है डेफिनेटली। मैं एक वर्ड में सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि जब ये फोन आपके हाथ में आएगा ना, अगर आपको नाइट फोटोग्राफी दिल से पसंद है तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इसके साथ। और उसके बाद इसका स्टेरी मोड, क्योंकि यहां पे आपको स्टेरी मोड भी देखने को मिल जाता है। और मैंने इसको टेस्ट करा रात के 2:20 पे। मैंने दो फोटोज नॉर्मली ली हैं जो आपको दिख रही होंगी यहां पे कि कितना अंधेरा था, और रात के 2:30 यार डेफिनेटली अंधेरा ही होता है। और स्टेरी मोड जो है उसमें आपको 5 मिनट तक फोन को स्टेबल रखना होता है। डेफिनेटली आप ट्राइपॉड के साथ इसको ट्राई करना, और ये भाई पूरा दिन कर देता है। आपको डेफिनेटली इन फोटोज को देख के बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा कि ये इतनी रात को ली हुई है, लेकिन आपको मैं डिटेल्स दिखा देता हूँ। ये देखो 2:25 पे फोटो ली हुई है, और डेफिनेटली भाई ये लोगों के कपड़े भी देख लेता है अंदर घर के टंगे हुए, और रात को कोई भी लाइट ऑन करके नहीं सोता है, तो बंद लाइट में भी ये सीन है इसका। बहुत कमाल की लाइट कैप्चर कर सकता है ये वाला सेंसर, और इसके साथ OIS मिलके ना एकदम चार चांद लगा दिए हैं भाई।
जो मैं आपको बोल रहा हूं ना वो डेफिनेटली आप आराम से रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि फोटोज की क्वालिटी आपको सामने दिख रही है। और मैं ट्राई करूंगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी प्रोवाइड कर दूं, ड्राइव का लिंक, जहां पे आपको सब कुछ फोटोज क्वालिटी में देखने को मिल जाएं। फिर मैं कहूंगा कि अगर आपकी फोटोग्राफी जान है, और जान ये वैलेंटाइन वाली जान नहीं भाई, वो दूसरी वाली है, पैशन वाली जान की बात करो, पॉजिटिव सोचो, तो इस फोन के साथ आपका जो एक्सपीरियंस होगा ना वो अल्टीमेट रहने वाला है। और उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है अपना वो है रियलमी यूआई 3.0। ये बेसिकली अगर मैं कहूं तो कलर ओएस 12 आपको देखने को मिलता है। और कलर ओएस 12 ये खुद अपने से मैं नहीं कह रहा, ये रियलमी ने खुद लिखा है, सिर्फ हमने देखा है। ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स आपको Realme UI 3.0 और Android 12 पे मिलता है। और ये दोनों चीजें इतनी ज्यादा लेटेस्ट हैं जितना लेटेस्ट आज का वैलेंटाइन भी नहीं है भाई। यहाँ पे ये जो OS है ना वो बहुत ही ज्यादा रिफाइंड और बहुत ही ज्यादा क्विक है, प्लस बैटरी कंजम्पशन भी यहाँ पे आपको कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू Realme के पुराने UI से। यहाँ पे 10-12% बैटरी कंजम्पशन आपको कम देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा जंप है। अगर मैं एक लाइन में कहूँ ना तो ये ऐसी चीज है जिसको अलग अलग UI के बेस्ट एक्सपीरियंसेस को ऐड करके इसमें इंटीग्रेट करा है, जहां पे ये Realme UI 3.0 के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं इसके नोटिफिकेशन सेंटर से। यहां पे देखो आपको कितना स्पेसियस देखने को मिलता है, सारी जो आइकन्स है ना वो बहुत ही मस्त लग रहे हैं, प्लस आप इनके कलर्स को भी कस्टमाइज कर सकते हो। और यहां पे सारे सोर्स कट्स आपको देखने को मिल जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पेसियस लगता है इस बार। और यहीं पे आपको मीडिया आउटपुट देखने को मिल जाता है, जैसे आपको एप्पल में देखने को मिलता है ना, यहां पे आपके ईयरफोन एयरबड्स कनेक्टेड हुए ना, तो यहां डेफिनेटली क्लिक करके आप डायरेक्टली स्विच कर सकते हो अपने मीडिया आउटपुट को, और एक ही झटके में आवाज कहीं और से निकलना स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद जो अगली चीज आपको देखने को मिलती है वो है इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इसके सेटिंग्स में जाओ, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे आप जाओगे ना तो आप बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हो, खुद का पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो, पैटर्न ड्रॉ करके आप उसको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे रख सकते हो और उसके भी आप कलर्स चेंज कर पाओगे, प्लस आप खुद की फोटो को भी यहां पे यूज कर सकते हो। ये पोर्ट्रेट वाला जो ऑप्शन देखने को मिलता है इस पे आप जाओ और उसके बाद नॉर्मली कोई भी फोटो सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद AI से उसको डिटेक्ट करेगा और एक इमोजी टाइप क्रिएट करेगा जो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे शो करेगा, और इसमें भी आप कलर्स चेंज कर सकते हो, मतलब कस्टमाइजेशन जो है ना वो भरी हुई है पूरी तरीके से। और उसके बाद आपको एज लाइटिंग देखने को मिल जाती है जो आपको अलग अलग कलर्स में आप कस्टमाइज कर सकते हो अपनी फेवरेट कलर के हिसाब से। हम चूंकि वैलेंटाइन है तो डेफिनेटली रेड ही रख देंगे। और उसके बाद आते हैं हम वॉलपेपर्स में, आपको बहुत सारे लाइव वॉलपेपर या फिर स्टैटिक वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं Realme UI 3.0 के साथ। और इसी के साथ आपको इसमें इन्वेंटिव वॉलपेपर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब यहाँ पे आप अपना खुद का वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हो और फिर उस पर्टिकुलर पिक्चर से ये कलर पिक करेगा अलग अलग और उसको फोन के हर कोने में हर वादियों में फैला देगा, ताकि आपके नोटिफिकेशन सेंटर की बात कर लो, चाहे आप सेटिंग आइकॉन्स की बात कर लो, सब कुछ वैसा का वैसा ही बन जाएगा। जैसे इस फोटो का हम ट्राई करते हैं और आप देखो सारा का सारा जो फोन है वो वैसा का वैसा ही बन चुका है, चाहे आप नोटिफिकेशन सेंटर देख लो, चाहे आप सेटिंग्स में जाके इसके आइकन्स देख लो। और इसको आप कलर से भी कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे आप कलर वाले ऑप्शन पे जाओगे तो उसमें कस्टम वाले पे चले जाओ या फिर जो प्री सिलेक्टेड है उस पे किसी पे क्लिक करो और यहां पे देखो उसके बाद नोटिफिकेशन में भी वैसे ही कलर आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये जो चीज है वो बहुत ही कमाल की है, येलो पे येलो, उसके बाद क्लासी चाहिए तो क्लासी आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब डेफिनेटली आपने एंड्रॉइड 12 के नाम पे मटेरियल यू का नाम सुना होगा, ये समझ लो कि वो का वो ही है सब कुछ। और उसी के साथ आपको इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है। हाँ ये कुछ नई चीज नहीं है, लेकिन आप इसमें माइक प्लस सिस्टम रिकॉर्डर और इसी के साथ वीडियो तीनों साथ में रिकॉर्ड कर सकते हो, तो ये डेफिनेटली अच्छी चीज बनती है। और इसी के साथ आपको PC कनेक्ट ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्योंकि Realme के खुद के लैपटॉप्स आ रहे हैं, तो डायरेक्टली आप अपने PC से इसको कनेक्ट कर पाओगे। और उसके बाद वर्चुअल रैम, यहाँ पे चूंकि इस फोन में ऑलरेडी 8GB रैम भरी हुई है और यहाँ पे आप 5GB तक रैम बढ़ा सकते हो और ये बहुत ज्यादा है। अब देखो 8GB ऑलरेडी थी, 5GB बढ़ चुकी है, 13GB रैम। आप बस बोलो कि कौन सा गेम स्टार्ट करूं भाई, 13GB रैम आपको इसमें देखने को मिल रही है और ये इस UI का बेस्ट फीचर है मुझे लगता है। और उसके बाद सिस्टम क्लोनर, जैसे आप प्राइवेसी वाले ऑप्शन में आते हो ना तो आपको ऐप लॉक देखने को मिल जाता है, हाइड ऐप देखने को मिल जाते हैं, प्राइवेट सेफ देखने को मिल जाते हैं, उसके सिस्टम क्लोनर है। अब सिस्टम क्लोनर का बेसिकली सीन क्या है कि एक तो आप यूज कर रहे हो, अगर आप अपना कोई गुप्त सामान रखना चाहते हो कहीं और उसके लिए कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिर्फ आपको एक नया पासवर्ड जनरेट करना है, पासवर्ड, और जैसे ही वो पासवर्ड आप
लॉक स्क्रीन पे लगाओगे नया वाला, तो आपका फोन जो है वो ऑटोमेटिकली उस प्राइवेट सेक्शन में स्विच हो जाएगा और आप वहां पे डेफिनेटली रंगीनियां मचा के वापस अपने फोन में आ सकते हो उससे पुराना वाला पासवर्ड लगा के। और यहाँ पे जैसे आपको पता है कि एंड्रॉइड 12 जो है वो सिक्योरिटी के बहुत सारे ऑप्शन लेके आता है और वैसा ही इसके साथ भी है। जैसे एग्जांपल के लिए कैमरा या माइक का कोई आपकी एप्लीकेशन जो है वो परमिशन मांग रही है, ले रही है, तो आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे डॉट देखने को मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं से आपके माइक या कैमरा की जो लोकेशन है वो ली जा रही है। और उसके साथ ही आपको बैटरी ऑप्टिमाइजेशन और बहुत अच्छे से देखने को मिल जाता है, मतलब ग्राफ्स एंड ऑल दिखाई देते हैं जिससे आपको पर्टिकुलर पता चल जाता है किस ऐप ने कितनी बैटरी खाई है। उसके बाद आप उसको डेड भी कर सकते हो अगर ज्यादा बैटरी खा रहा है, तो ये काफी कमाल का एक फीचर है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलती है। अब जाते जाते मैं आपको एक चीज बताता हूं जो आपको देखने को मिलेगी इसके फिंगरप्रिंट के साथ। यहाँ पे डेफिनेटली आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो चीज है वो अपने साथ एक और चीज स्पेशल लेके आती है और वो है हार्ट रेट सेंसर। और चलिए इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, ये 15 सेकंड का टाइम लेगा। मतलब क्या दिन मिला है हमको यार हार्ट रेट चेक करने के लिए, आज डेफिनेटली ज्यादा ही आने वाले हैं क्योंकि आज के दिन में बैठ के आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो ऑलमोस्ट 15 सेकंड लेगा। तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो आपको Realme 9 Pro Plus के साथ देखने को मिल जाते हैं, Realme UI 3.0 के साथ देखने को मिल जाते हैं। मैं 16th को आफ्टरनून 3 बजे आपके लिए इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो पब्लिश करूंगा, उसमें सब कुछ आपको इन डिटेल में देखने को मिल जाएगा। अगर उस वीडियो में ये वाली चीजें ऐड की जाती तो ये पूरी की पूरी फिल्म बन जाती भाई, तो इसलिए ये सेपरेट है और डेफिनेटली एम्बार्गो में भी है। तो 16th का वेट करना, उसके पहले सब्सक्राइब बटन को दबा के अपने बीच में एकदम कनेक्शन स्थापित कर लो दिलों वाला, ताकि जैसे मैं अपलोड करूँ ना आपको सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आपके फोन में देखने को मिल जाए। तो दैट्स ऑल यार, मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए